हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? तो देखिए, यहाँ पर दो कलर का बिस्कुट है। इसे हम एक रेसिपी बनाने जा रहे हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, बिस्कुट को कवर से निकाल दे रहे हैं और दोनों को अलग अलग निकालेंगे। और उसके बाद आगे हम आपको दिखाते हैं इसे क्या बनाना है। ये जो हम बना रहे हैं ना, बच्चे लोग के लिए बहुत अच्छा रहता है। जब भी उन लोग को मीठा खाना का मन रहे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि होटल से ही बार बार खिलाया जाए, आप घर में भी इससे बना सकते हैं और बच्चे लोगों को बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पर बिस्कुट को निकाल लिए हैं, टुकड़ा कर दे रहे हैं, और इसे अच्छा सा एक पाउडर तैयार कर लेंगे। मिक्सी जार में पीस के पाउडर तैयार करेंगे और दोनों को अलग अलग करना है, मिलाना नहीं है। और ये बिना गैस जलाए ही बनता है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, पूरा भी पाउडर अच्छा से बना लिए हैं, छान लिए हैं। इसमें गांठ नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा सा दूध लिए, आधा कप, और ये दोनों को अच्छा से सानेंगे। गीला नहीं करना है, कड़ा नहीं करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखिए, दूध थोड़ा थोड़ा लेके इसको अच्छी तरह से सान ले रहे। जो बना रही है मेरी बेटी है, इसको बहुत पसंद है। टिफ़िन में डेली ले जाती है मीठा चीज़, तो हम घर पर ही बना के देते हैं और इसको बहुत अच्छा लगता है, ये इसका फेवरेट है। तो ये अपने से आपको बना के दिखा रही है, ये अपने कर रही है। और इसको टिफ़िन में डेली कुछ ना कुछ मीठा चाहिए ही, तो हम घर में ही बना कर देते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि होटल से रोज़ रोज़ ला के दें हम, तो आप भी अपने बच्चे को दे सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छा से तैयार कर दे रही है। थोड़ा थोड़ा दूध लेके सानना है। आप भी अपने बच्चे को टिफ़िन में बना के दे सकते हैं, और एक बार बनाइए, हफ्ता भर के लिए तैयार हो जाएगा। आप डेली एक दो दे सकते हैं टिफ़िन में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये अच्छा से तैयार हो गया है, और आपको जैसा शेप हो ऐसा अपना बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दोनों को तैयार कर लिए हैं। अब एक नॉर्मल प्लास्टिक लिए हैं, जो कपड़ा रखने का आता है, और इसको इसमें कवर करके बेलना है। डायरेक्ट बेलन से नहीं बेलना है, इसमें कवर करके ही बेलना है, क्योंकि ये बेलन डायरेक्ट लगाइएगा तो चिपकेगा और अच्छा नहीं बेलाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, प्लास्टिक में कवर करके बेल रही है। इस तरह से बेलने के बाद अलग प्लेट में निकाल लेना है, पलट देना है, हाथ से नहीं निकालना है। इसके बाद दूसरा वाला भी इसी तरह से बेल लेना है। और दोनों को बेलने के बाद एक एक दूसरे पर चिपका देना है। और यहाँ पर देखिए, दोनों को रख दिए हैं, और किनारे किनारे जो दिखता है ना, उसे निकाल दे रहे, ताकि अच्छा सा शेप तैयार हो जाए। तो साइड वाला हम निकाल दिए हैं। तो इस तरह कटिंग भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आराम से कटिंग भी हो जाता है। और जो चारों तरफ निकलेगा उसका अलग शेप में बनाएंगे, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, मेरे चैनल पर रेसिपी आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, साइड का निकाल दिए हैं और इसे बर्फ़ी का डिज़ाइन दे रहा। आप कहीं घूमने भी जा रहे तो इसे भी फटाफट बना कर ले जा सकते हैं, क्योंकि इसमें गैस जलाने का कोई झंझट नहीं है। बस ऐसे ही दूध से बन जाता है और 2 मिनट में ही बन के तैयार हो जाता है, पकाने का कोई झंझट नहीं है। बिस्किट में ऐसे भी मीठा रहता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा मीठा खाने का मन है तो चीनी का पाउडर कर लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा मिला दीजिएगा दोनों में। यहाँ पर देखिए, कितना सुंदर 2 कलर का मीठा तैयार हो गया है। बर्फ़ी देखिए, 2 कलर का बर्फी रेडी हो गया है। तो इस तरह से आप भी अपने बच्चों को टिफ़िन में दीजिए, या कहीं घूमने जा रहे हैं तो लेके जाइए। ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो एक बार ज़रूर बना के देखिए और बच्चे लोग को खिलाइए। बच्चे को बहुत पसंद आते हैं, आपको भी पसंद आएगा। या मेहमान आए घर में तो उन्हें भी बना के खिला सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।